पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मानसून ने दस्तक दे दी है। बदरा घुमड़ घुमड़ कर बरस रही है, क्या मैदानी इलाका और क्या पहाड़ी इलाका, हर जगह जमकर बारिश हो रही है। लेकिन कई जगहों पर ये बारिश मुसीबत की बारिश बनकर भी आई है। पहाड़ों में तो बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि कई जगह सड़कें टूट गई, तो कई जगह चट्टानें दरक दरक कर गिर रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह बारिश ने हिमालय के कुल्लू में कहर मचा रखा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई मकान इसकी जद में आ गए। मणिकर्ण घाटी में तो बादल फटने से कई घर तबाह हो गए, वहीं गांव को जोड़ने वाला पुल भी इस बारिश की चपेट में आ गया। कुछ ऐसा ही आलम कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी आफत की बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। पहलगाम में तो बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि पहाड़ों को ही अपने साथ लेकर जा रही है। पहलगाम में चट्टानें टूटने से पुल भी पानी के साथ बह गए। उत्तराखंड के चमोली में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बारिश में पानी के बहाव ने सड़कों को काट दिया है, जिसके बाद सैलानियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो पहाड़ी इलाकों की बात हो गई। अब जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का क्या हाल है? मुंबई में बारिश ऐसा सैलाब लेकर आई है कि क्या घर और क्या रेलवे स्टेशन, सब के सब पानी पानी हो गया है। सड़कों पर तो चलना मुहाल हो गया है, घरों में रहना भी आफत बन गई है। बात पूरब की करें तो क्या असम क्या बिहार, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। असम में तो बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए। दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में राजधानी में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड में अगले 24 से 72 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।